भरूच आए हैं तो मूंगफली की शॉपिंग तो बनती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज द डे 6 ऑफ आवर सौराष्ट्र टूर। पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा हम लोग काफ़ी सुबह उठे थे, रेडी होके हम लोग अंबाजी माता मंदिर जाके आए। गिरनार रोप वे स्टार्ट हो चुका था, हमारे 1-1.5 घंटे में दर्शन होके हम लोग वापस भी आ गए। टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 और जूनागढ़ में हम लोग हैं और हमें जाना है जूनागढ़ से पुणे, हमारे घर। चलो फिर चलते हैं और देखते हैं कैसी होती है ये जर्नी। हम जूनागढ़ में हैं, जूनागढ़ से पुणे जाने के लिए गूगल 2 रास्ते दिखा रहा है। उसमें से हम लोग जो रास्ता लेने वाले हैं वो है 929 किलोमीटर का। ये रास्ता है जूनागढ़, जूनागढ़ से हम लोग जाएंगे राजकोट, राजकोट से वडोदरा, वडोदरा से भरूच, भरूच से सूरत, सूरत से सापुतारा, नासिक होके हम लोग पहुँच जाएंगे पुणे में। गूगल के हिसाब से ये डिस्टेंस कवर करने के लिए अप्रॉक्सीमेट 18 आवर्स लगेंगे। चलो फिर देखते हैं हम लोग कितने आवर्स में ये जर्नी कैसे कंप्लीट करते हैं। राजकोट यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 30 किलोमीटर की दूरी पे है। सुबह के 11:30 हो रहे हैं, हम लोग राजकोट बाईपास पे है। राजकोट सिटी लेफ्ट में है। हम लोग तो ब्रेकफास्ट करके निकले थे, अभी टाइम आया स्कॉर्पियो का ब्रंच करने का। ये रास्ता राजकोट एयरपोर्ट की तरफ जाता है, एयरपोर्ट। हम जब द्वारका जा रहे थे तब हम लोगों ने यही रोड फॉलो किया था। राजकोट से हम लोग जामनगर गए थे। तो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका आई बटन यहाँ पे दे देती हूँ। हम राजकोट अहमदाबाद हाईवे पे लिमडी नाम के गांव के पास है। यहाँ का टेम्परेचर 41 डिग्री है। यहाँ पे राइट टर्न लेके हम लोग कैच करने वाले हैं बगोदरा वतमन हाईवे। हमने जैसे राजकोट अहमदाबाद हाईवे छोड़ दिया तो ट्रैफिक ही कम हो गया। वहां पे काफी भीड़ थी, ट्रैफिक था। 82 किलोमीटर के बाद हम लोग कैच करने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अभी टाइम हो रहे हैं 2:00 PM और यहाँ का टेम्परेचर है 42 डिग्री। हम साबरमती रिवर के ब्रिज पे है। हमारी गाड़ी का स्पीड यहाँ पे दिखाई देगा। रहे हैं माही रिवर का ब्रिज, यहाँ पे काफी पानी दिखाई दे रहा है। हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट सो दैट वी आर गोइंग टू कैच दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। हम अभी पहुंच चुके हैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे और यहाँ पे होगा ड्राइवर का आदान प्रदान। यहाँ पे अभी हो चुका है ड्राइवर का आदान प्रदान। विक्की बन चुका है कैमरामैन, मैं आ गई हूँ ड्राइवर सीट पे, नाउ आई हैव बिकम अ ड्राइवर। हम लोग मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे है। मुंबई यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 411 किलोमीटर है, बट ये रास्ता मुंबई तक अभी बना नहीं है। हम लोगों को भरूच में एग्जिट लेना पड़ेगा। सो अप्रॉक्सीमेट ये रास्ते पे हमें 99 किलोमीटर जाना पड़ेगा और 99 किलोमीटर पे चलो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। ये एक्सप्रेसवे बड़ा ही मस्त है, 99 किलोमीटर। अब हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 60 मिनट्स में कवर कर लिए और हम लोग भरूच कब पहुंचे हमें पता ही नहीं चला। 4:00 इन द इवनिंग हम लोग भरूच सिटी से जा रहे हैं और यहाँ पे काफी सारी दुकानें हैं वो क्लोज है। In 200 meters, turn left.
ये देखो हमारे लेफ्ट में है भरूच रेलवे स्टेशन, हम लोग भरूच सिटी में जा रहे हैं। कैन यू गेस फॉर व्हाट? भरूच आए हैं तो सिंगदाना लेना बहुत जरूरी है, हम लोग भरूच सिंह लेने सिटी में जा रहे हैं। हम आए हैं संगम सिंह, यहाँ पे कई तरह के सिंग्स हैं, सिंग मसाला काजू। यहाँ पे हमें कई तरह के सिंग टेस्ट करने के लिए दिए, वो काफ़ी टेस्टी थे और जितने फ्लेवर आप ट्राई करोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोगों ने हमारे बेसिक टेस्ट वाले मसाला सिंग लेना प्रेफर किया, उसके सिवा और दो तीन फ्लेवर भी हम लोगों ने परचेस किए। हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी खासी शॉपिंग की, बहुत सारी चीज़ें परचेस करी। ये देखो विकी के हाथ की बैग, ये ढूंढते ढूंढते हम सिटी में पहुँच गए, क्योंकि भरूच इज स्पेशल फॉर सिंगदाना। सो भरूच स्पेशल सिंग लेने के लिए हम आए सिटी में। दुकान का नाम है संगम खारी सिंग सेंटर। भरूच में दोपहर में हम लोगों ने कई शॉप्स देखी जो बंद थी, बट संगम सिंह शॉप खुली थी। हम नर्मदा रिवर का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, अभी भरूच में है। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद तुरंत ही हम लोग पहुंच जाएंगे अंकलेश्वर में। हम अंकलेश्वर में आ चुके हैं, टाइम हो रहा है 4:45। फाइनली हम लोगों ने कैच किया है मुंबई अहमदाबाद हाईवे, और ये ट्रैफिक वाला रोड रहता है। चलो फिर देखते हैं कैसी होती है जर्नी इस रास्ते पे। गूगल बोल रहा था आगे ट्रैफिक जाम है, 15 मिनट्स का डीले दिखाई दे रहा था, और जैसे टाइम बढ़ रहा था वो डीले भी बढ़ रहा था। 15 मिनट का वो 20 मिनट दिखाने लगा है। अभी ट्रैफिक वैसे भी स्लो मूविंग हो चुका है, और फाइनली हम लोगों को जिस बात का डर था हम लोग पूरी तरह ट्रैफिक में अटक गए। फाइनली हम लोग ट्रैफिक से निकल चुके हैं। अभी हम सूरत के पास है। सूरत इज़ फेमस फॉर डायमंड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर हम लेफ्ट में 27 किलोमीटर जाते हैं तो सूरत सिटी पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने वीडियो के पहले ही आपको बताया, मैं मुंबई से पुणे नहीं जाने वाली हूँ, हम लोग जाएंगे सापुतारा, नासिक एंड पुणे। यहाँ से 15 किलोमीटर के बाद लेफ्ट टर्न लेके हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स सापुतारा। अपोजिट साइड पे भी देखो कितना ट्रैफिक है। फाइनली सापुतारा की तरफ जाने वाला लेफ्ट टर्न आ गया। हम लोग अभी छोड़ने वाले हैं मुंबई अहमदाबाद हाईवे। हमने अहमदाबाद हाईवे छोड़ दिया है, हम जा रहे हैं सापुतारा, जो यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर है। उससे पहले हम लोग फिल कर रहे हैं डीजल। हम अभी वंसदा में हैं, यहाँ से 70 किलोमीटर पे सापुतारा है, इसके आगे घाट सेक्शन एंड जंगल वाला एरिया स्टार्ट होने वाला है। सौराष्ट्र सीरीज के डे 2 में भी मैंने ये रास्ता कवर किया है, बट वो दिन का टाइम था, अभी रात में है हम लोग यहाँ। फाइनली वी हैव रीच सापुतारा। रात के 10 बज रहे हैं, हम लोगों का डिनर हो चुका है। हम लोग हैं लेक व्यू रेस्टोरेंट सापुतारा में। हम लोगों का प्लान है इधर से सीधा घर जाने का। रात के 10:15 बज चुके हैं और हम लोगों ने महाराष्ट्र में एंट्री कर ली है। यहाँ से हमारा घर अप्रोक्सीमेट 305 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में एंट्री करने के बाद भी घाट वाला सेक्शन आता है। 11:30 हो चुके हैं, हम लोग नासिक में हैं। नासिक सिटी से जाके हम लोग पुणे रोड कैच करने वाले हैं। Our home is just 205 किलोमीटर from here, and according to Google, it will take 4 hours to reach. ये सामने दिख रहा है वो है समृद्धि महामार्ग। हम अभी खेड़ बाईपास पे है, उसके बाद हमें लगेगा राजगुरु नगर बाईपास। टाइम हो रहा है 2 AM। In 300 meters, slight left at Nashik Vata to stay on National Highway 60, National Highway 965. Turn left.
हमारा घर यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर बचा हुआ है। हमने सुबह 10 बजे जूनागढ़ से स्टार्ट किया था और अभी टाइम हो रहा है 2:15। अप्रॉक्सीमेट 17 आवर में हम लोगों ने जूनागढ़ टू पुणे ये जर्नी कंप्लीट की, इंक्लूडिंग ब्रेक्स एज वेल एज लॉट ऑफ ट्रैफिक। यहाँ पे अब हमारी सौराष्ट्र टूर ख़त्म होने वाली है। हम लोगों ने सौराष्ट्र टूर में 2550 किलोमीटर कवर किए हुए हैं। इस प्रकार की इंटरेस्टिंग जर्नीज देखने के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।